नमस्कार, ऐसे सुजदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय आपको हमारे देश की राजधानी दिल्ली का नज़ारा दिखा रहा हूं, एक हेलीकॉप्टर इंस्टीट्यूट का। आज एक ऐसा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उन युवाओं के लिए जो पायलट बनना चाहते हैं, प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते हैं। और हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो आसमान में उड़े, और आसमान में उड़ने का ज़रिया या तो हवाई जहाज़ है या फिर हेलीकॉप्टर है। और हेलीकॉप्टर में आपका करियर क्या है, यह आज मैं बताना चाहूँगा कि कैसे आप हेलीकॉप्टर के पायलट बन सकते हैं, कितनी आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सीखने के बाद में आपके लिए नौकरी के ऑप्शन क्या है, आपको कितनी इसमें इनकम हो सकती है, यानी आपकी कितनी सैलरी हो सकती है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, डिप्लोमा करवाया जाता है। इंस्टीट्यूट के बाहर आप देख रहे हैं एक बड़ा चार्टर प्लेन खड़ा किया गया है। राकेश जी पायलट के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, ये देखिए वो पहुँच चुके हैं। इस इंस्टीट्यूट के प्रमुख ट्रेनर हैं और जाने माने पायलट हैं। लगभग 10 हेलीकॉप्टर यहाँ पर हैं, जिसमें दो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू पैक है। ये देखिए अभी इनकी सर्विसिंग का कार्य चल रहा है, एक अभी यहाँ से उड़ने वाला है। और ये वरिष्ठ पायलट मनोज गुप्ता जी, जो कि इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर कहे जा सकते हैं। और ये देखिए इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन आ रहे हैं ओला जी, राकेश पायलट जी के साथ। हम राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि झुंझुनू जिले से निकला हुआ एक युवा आज एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में बुलंदियों पर है। जैसा बताया कि 2 एयरपोर्ट आपके पास है, 7 चार्टर प्लेन है, 11 हेलीकॉप्टर आपके पास है, और बहुत बड़ा कार्य आप राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को इनका मैं परिचय कराऊं। ओला जी इस सारे एम्पायर के ही इज़ द बॉस, ही इज़ द ओनर, एंड मैं तो इनका बड़ा भाई समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए। ये मुझे इतनी तवज्जो, इतनी इज्जत देते हैं कि जिसकी जितना कहो उतना कम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। पायलट राकेश जी शर्मा में बताएंगे कि ये किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से ऑपरेट होता है, इसकी मशीनरी किस तरह से काम करती है, ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो जो हेलीकॉप्टर में सबसे बेसिक हेलीकॉप्टर जो होता है उससे हम शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में बात करना शुरू करूँ, मेरे साथ जो मेरे दोस्त खड़े हैं एस राम ओला जी, ये इस हेलीकॉप्टर के ओनर हैं और ये पूरा इंस्टीट्यूट इनका है। एक बार मैं तिवारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे घुमा के इंस्टीट्यूट का वो भी दिखाएं, ताकि जो भी जिज्ञासु लोग हैं उनको ध्यान रहे कि हम कहाँ खड़े हैं। और क्योंकि आज का पर्पज़ यही है अवेयरनेस कि भाई कैसे हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग होती है, कैसे इसकी मेंटेनेंस होती है। सो दोस्तों आगे चलते हैं इसी वीडियो में अपन ने कि ये जो हेलीकॉप्टर जिसके पास हम खड़े हैं ये रॉबिन्सन ने R44, जैसे अपने गाड़ियों में होता है ओडी, जैसे गाड़ियों में होता है मर्सिडीज़, वैसे ही हेलीकॉप्टर की और कंपनी का जैसे होता है उसका नाम है R44, और कंपनी ओला जी की जो है उसका नाम है फ्लाई ओला, और इनका टेक लाइन है योर स्काई टैक्सी। तो ये आपका है, ये जो दोस्तों आप इसके ऊपर देखते हो, ये सब लोगों के लिए जानकारी के लिए कि जो VTHNC है, वी फॉर विक्टर, टी फॉर टेंगो, इंडिया में जितने भी हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर जो भी रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अपने राजस्थान में गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो RJ14 नंबर होता है, वैसे जितने भी हवाई जहाज़ इंडिया में रजिस्टर्ड होंगे, अगर वहाँ VT नहीं लिखा है इसका मतलब वो इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर नहीं है। अगर अमेरिका में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर रजिस्टर्ड है तो उसका N नंबर होगा, N100। तो ये रजिस्ट्रेशन मार्किंग होती है, और जब भी हम फ्लाई करते हैं तो यही इसको कॉल साइन बोलते हैं। अभी एक बेसिक, आइए ओला साहब इधर आइए, अपन इनको बताते हैं एक बेसिक। ये अगर आप देखो तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है, इसको जो लोग देसी भाषा में पंखा बोलते हैं, इसको रोटर बोलते हैं, और इसको रोटर ब्लेड, ये रोटर ब्लेड है। ये जब रोटर इंजन स्टार्ट होता है तो ये एक डिस्क के रूप में काम करती है,
और उससे हेलीकॉप्टर को लिफ्ट प्रोड्यूस होती है जी। पीछे आप एक छोटा पंखा देख रहे हैं, पंखा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेमैन की भाषा में इसको पंखा बोलते हैं, हम टेक्निकल भाषा में इसको टेल रोटर बोलते हैं जी। ये टेल रोटर है, ये मेन रोटर है जी। ठीक है सर, जो ये खड़ी आप इसमें देख रहे हैं वर्टिकल, आप इधर से चलिए तो मैं इधर से पीछे से आगे आता हूँ। ये वर्टिकल आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसको फिन बोलते हैं, स्टेबलाइजर। जैसे ये जो है, ये जो ऐसे जो लेटा है इसका, ये स्टेबलाइजर कहलाता है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये एरोफोइल शेप है, ये सिंपल नहीं, आप देखोगे तो यहाँ से चौड़ा है, पीछे ये जाता है। इसका पर्पज़ ये है कि बर्नुलीज लो जो है, नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर से ट्रेवल करेगी एयर तो कम होगा, तो इसको लिफ्ट मिलेगी। ये फार्मूला है, एक बेसिक, बाकी आप पढ़ेंगे। अब आप आ जाइए, इसको टेल गार्ड बोलते हैं, जो इसके ये टेल गार्ड है, ये आ गया। अब ये एंटीनाज हैं, उसके बाद में इसको स्किड बोलते हैं, और ये आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ पे इंजन है। अब हम नीचे के पोर्शन में आते हैं। आइए ओला सर, फ्यूल कहाँ होता है इसका? ये फ्यूल यहाँ टैंक होता है इसका, फ्यूल टैंक, ये फ्यूल टैंक जी, जी। यहाँ से रिफिलिंग होती है, अंदर बैटरी वो है, वो फिर कभी, एक बेसिक आज आपको बता रहे हैं आइडिया, फिर हम कभी डिटेल में बताएंगे, बिकॉज अगर डिटेल में हम चलना शुरू करेंगे तो इसके बारे में बहुत हो जाएगा। पीछे से आपको दिखाया, थोड़ा आगे से दिखा देते हैं तिवारी जी, उसके बाद में अपन एक जनरल थोड़ा सा, ताकि एक हर आदमी की जिज्ञासा होती है। आप बहुत कवरेज करते हो सादे ब्याह में, लेकिन इतना डिटेल में जो लोगों की जिज्ञासा होती है वो नहीं हो पाता है। ये इसकी लाइट्स हैं, जैसे गाड़ियों में लाइट होती हैं वैसे लाइट हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप इधर देख रहे हैं एक ब्लू लाइट है जी। ये आइए, अब इधर आइए, इधर रेड लाइट। जैसे अपने गाड़ियों में होता है कि अपन जब चलते हैं तो हम रोड के लेफ्ट साइड में चलते हैं, हेलीकॉप्टर में जब भी, और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का ये सिस्टम है कि अगर आपको कोई भी आमने सामने अगर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आता है तो वो अपने अपने राइट साइड में टर्न करेंगे। ये आ रहा है, इसका राइट साइड ये आ रहा है, इसका राइट, तो क्या होगा, ऐसे आएंगे तो अपने आप वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इसका पर्पज है। तो आप देख रहे हैं कि जब मैं बैठता हूँ तो मेरे लेफ्ट में रेड है, इसका मतलब अगर कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि हमेशा मेरे को लेफ्ट ही टर्न करना है, पर जब आमने सामने अगर दो फ्लाइंग मशीन आती हैं तो ये स्टैंडर्ड रूल है कि वो एक दूसरे, ये इन एयर कोलिजन बचाने के लिए, कि कंफ्यूजन नहीं हो कि मैं इधर जाऊँ तू इधर जाए, तो दैट इज़ दिस पर्पज। बाकी मोर ऑर लेस आपने देख लिया, पीछे एग्जॉस्ट है, ये रोटर ब्लेड की बात होगी। मित्रों, मैं इस समय आपको दिल्ली का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये ओला जी की हेलीकॉप्टर कंपनी है जिसका हम कवरेज कर रहे हैं, और कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो मशीन है उसमें किस तरह के यंत्र काम करते हैं, उसकी बॉडी क्या है, और इसके अलावा एक वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि हेलीकॉप्टर पायलट के लिए जॉब किस तरह की है, इसमें ट्रेनिंग क्या होती है, और जो ओला जी यहाँ पर देते हैं उसकी कंप्लीट जानकारी। फिलहाल हम आपको इस मशीन के अंदर लिए चलते हैं और अंदरूनी जो उपकरण उनकी जानकारी देते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी आपको मैंने बार का सारा बताया, एक मोटा बोर्ड जैसे अपन गाड़ी का एक्सप्लेन करते हैं, ये टायर है, बॉडी है, वैसे मोटा एक आपको बता दिया। डिटेल में जब भी आप बोलेंगे, आप यहाँ पे आए, ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मैं एयरक्राफ्ट में जाने से पहले आपको बताता हूँ, इसकी डिटेल बताने से पहले, कि यहाँ इस इंस्टीट्यूट में हम एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनाते हैं, पायलट्स की ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ से चार्टर सर्विस करते हैं, आपको अगर हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट लेना है खरीदना है तो वो काम हम करते हैं, और हम MBA इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। तो अंडर वन अम्ब्रेला यू विल गेट एवरीथिंग। आप अपने बच्चे को हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का इंजीनियर बनाना है तो दिस इज द इंस्टीट्यूट। आपको अगर अभी हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग पायलट की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे, आपको MBA कराना है तो हम यहाँ पे कर, देयर आर लॉट ऑफ अदर एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं है, यहाँ सब सुविधाएं, आप आइए, आपने देखा। अब हम इसके हेलीकॉप्टर के बारे में, ये बहुत प्यारा सा और बहुत खूबसूरत सा है। इसका मेन, ये जो आप देख रहे हो जी, इसको हम कंट्रोल स्टिक बोलते हैं जी। इससे जो कंट्रोल होता है वो आप ये देखिए, ये दिखाइए, रोटर ब्लेड जो है जी, ये रोटर ब्लेड इससे मूव करती है। अच्छा अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं, वही स्टार्ट करने का प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा जी। और आप देख रहे हैं कि ये जो मेरे पांव की तरफ, हाँ, ये जो देख रहे हैं, इसको हम रडर बोलते हैं जी। तो स्टार्ट करते टाइम इसको न्यूट्रल रखना होता है, क्योंकि अगर आपने न्यूट्रल नहीं रखा तो ये वहां पीछे और
जैसे ही रोटर शुरू होगा तो ये वहाँ पे और स्किड करेगा जी, तो झटका लगेगा, तो सबसे पहले इसको न्यूट्रल करके, इसको न्यूट्रल करके और यहाँ आइए जी। ये जो पैनल आप देख रहे हो, हाँ, ये जो मैंने आपने हेडसेट ये देखे, इसको जो मैंने लगा रखा, तिवारी जी पहले यहाँ दिखाइए जी, जी, जी। ये जो मैं हेडसेट है, इससे मेरा एटीसी के साथ में कम्युनिकेशन रहता है, तो ये है, इसको जब यहाँ आप आइए, ये जो पैनल है इस पैनल के ऊपर, और हम फ्रिक्वेंसी जिस एटीसी के साथ में होते हैं उसके लगाते हैं। ये जीपीएस है, जैसे आजकल गाड़ियों में भी आपको जाना होता है वो लगाते हो, वैसे यहाँ जहाँ जाना होता है उसको भर देते हैं। ये है, इसको इन करते हैं प्राइम, तो जैसे अपन तेल देते हैं ना, तेल ये कर दिया, फिर ये स्विच है, उसके बाद में आप देख रहे हो मास्टर बैटरी, ये बैटरी स्विच है, और यहाँ चाबी लगा के ठक 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 कहानी शुरू जी। अब अपन आते हैं, शुरू होते ही अब इंस्ट्रूमेंट पे आ जाइए, पहले ये देखते हैं कि इनमें से कोई लाइट नहीं जल रही हो। अच्छा, कोई भी इमरजेंसी आएगी दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इंडिकेशन आता है, कोई भी मशीन एकदम से गिव अप नहीं करती है। जैसे अपना शरीर अपने को पहले पता लग जाता है कि बुखार होने वाला है, वैसे ही कोई भी इमरजेंसी इसमें आएगी जो इससे रिलेटेड है, तो ये दे रखी है, ये लाइट जलेगी, ये लाइट जली, इसका मतलब वहां सिस्टम में दिक्कत है। अगर ये लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब ये सिस्टम परफेक्टली ऑलराइट काम कर रहा है। अब अपन आते हैं, सबसे पहले जैसे इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत बेसिक से इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे मशीन बड़ी होती जाएंगी, जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी तिवारी जी से बात हो रही थी कि 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक के हेलीकॉप्टर हैं, तो आपको पता है कि जिस तरह, लेकिन ये सबसे प्यारी मशीन है। अब आप देखिए, ये ऑल्टीमीटर ALT लिखा है, ये आपको हाइट बताता है जी, ठीक है, इससे कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है इस समय। हाँ, इस हाइट का भी आप देखिए, ये हमेशा ग्राउंड से नहीं दिखाएगा, ये आपको सी लेवल से हाइट लेनी होती है। अच्छा, तो आपको यहाँ इसमें सेट करना होता है कि आपका ये लेवल है जी, तो ये हमेशा सी लेवल से आपकी हाइट होगी, बिकॉज जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं उनकी जो लीज आती है वो सी मीन सी लेवल से जी, आपका हेलीवेस है। अब आप आइए दूसरे पे, ये वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर है, ये अप और डाउन, जब आप डिसेंड करेंगे तो ये सुई डाउन को आएगी, और ये अप करेंगे, जब क्लाइम करेंगे तो ये अप पे जाएगी, ऊपर जाएगी, एक बेसिक। और ये रेट ऑफ डिसेंड और ये रेट ऑफ क्लाइम इसमें दे रखे हैं जी। अब आप ये आइए टर्न एंड स्लिप, देखिए कई बार अपन गाड़ी भी चलाते हैं तिवारी जी, तो टर्न पे आपने देखा कि एकदम से आप काटते हो तो आपके नीचे सीट पे ऐसे लगता है कि हम स्किड कर रहे हैं, इसमें ये दे रखा है। अगर आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन टर्न नहीं है, मतलब आपने प्रॉपर बैंक नहीं दे रखा है और प्रॉपर नहीं दे रखा है, तो ये बॉल लेफ्ट या राइट चली जाएगी ड्यूरिंग टर्न, दिस बॉल शुड बी इन द सेंटर जी जी। फ्लाइंग करते टाइम ये आपको दिखाता है कि आप पे बैलेंस फ्लाइंग कर रहे हैं या टर्न कर रखा है, टर्न एंड स्लिप इंडिकेटर है। अब आप आइए सॉरी, ये स्पीड, स्पीड इसमें दोस्तों नोट्स में होती है, आप देख रहे हैं इसकी यूनिट नोट्स है, ये जो कैलिब्रेशन होती है, 1 knot = 1.8 किलोमीटर, सो कन्वर्ट करके अगर आप उसमें, अब आप इसमें अपने आप अंडरस्टूड है, जो ये लगा रखे हैं ये इसके हाईएस्ट है, ये सेफ फ्लाइंग जोन के वो है, तो ये मीटर है जी। अब ये इसका आरपीएम इंजन आरपीएम, तो ये इंजन पैरामीटर है, ठीक है जी, इसमें दिखाते हैं, ये वो है आपका मैनिफोल्ड प्रेशर जी, और इंजन का प्रेशर कितना है, ये इंजन का प्रेशर दिखाता है, सिंपल सा फार्मूला है, नीडल शुड बी इन द ग्रीन जी, और येलो में आगे इट मींस क्वेश्चन, इट शुड नॉट हिट, तो ये एकदम से रेड में नहीं जाएगी, ग्रीन से येलो में आएगी, गाड़ी वाला गरम वाला सिस्टम, गरम जैसे अपन गाड़ी में होता है इंजन का, इंजन का। बाकी तो मेन ये इंस्ट्रूमेंट, ये जो प्लेन दिखाया गया, ये कंपास है जी, ये आपका डायरेक्शन बताता है। अच्छा, ठीक है, तो किधर जा रहे हैं, एक एरा, ये जायरो कंपास बोलते हैं इसको, जैसे अभी अपन खड़े हैं वो नॉर्थ ईस्ट को फेसिंग करके खड़े हो। अच्छा अच्छा, ये हमेशा जब जाएंगे तो घूम दिशा सूचक है, ये दिशा सूचक, आपने बहुत सही कहा, ये दिशा सूचक है, और ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है जी। अब एक बात आ गई, आपने सारी बात हमने कर ली, पर एक्सीलेटर कहाँ है जी जी जी, मेन चीज आती है पावर कहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए दोस्तों ये देखिए आप, हाँ हाँ। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा, ये मेन इसकी लाइफ लाइन है, ये इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर करेंगे इसको कलेक्टिव बोलते हैं। अच्छा। हमारी भाषा में कलेक्टिव बोलते हैं, आपकी भाषा में इसको एक्सीलेटर कह लीजिए, थ्रॉटल कह लीजिए, जैसे जैसे मुझे पावर देनी होगी मैं इसको ऊपर बढ़ाऊंगा, ऊपर खींचूंगा, एक लेवल ऐसा आएगा जब एयरक्राफ्ट हवा में आएगा
पंखा तेज इसी से होता है, पंखा तेज इसी से होता है, पंखा कम इसी से होता है। जब पावर बढ़ेगी तो मैं इसको स्पीड में कन्वर्ट करूंगा ऊपर लेके, और फिर आगे बढ़ना होगा तो मैं इसको देखे देखे ये आगे जाएगी ऐसे। अच्छा, जा रही है तो डिस्क ऐसे जाके और आगे चली जाएगी। जी जी, पीछे लेना होगा मैं इसको रोकूंगा, नीचे आना होगा पावर कम करूंगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मजेदार चीज है। पायलट बैठ चुके हैं, स्टार्ट होने वाला है, ये पंख खिलने लगे हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं दिल्ली के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं, और जिस हेलीकॉप्टर में इस समय जो व्यक्ति बैठा है इंस्टीट्यूट का सबसे वरिष्ठ पायलट है मनोज गुप्ता जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा, और बातचीत करूंगा मैं हेलीकॉप्टर में बैठे हुए मनोज जी से। वो आप ड्राइविंग सीट पर हैं और मैं बगल वाली सीट में इनके साथ बैठता हूँ। वेलकम ऑन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आर्मी और एयरफोर्स में मिला के तकरीबन 10 साल पहले फ्लाइंग किया है जी, और उसके बाद फिर मैं वापस आर्मी की ग्राउंड ड्यूटी फील्ड में चला गया जहाँ पे मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन किया करता था जी जी। रिटायरमेंट मैंने लिया है 2007 में जी, और उसके बाद से मैं सिविल एविएशन का है। अब मेरे साथ दो पायलट एक साथ हैं, एक तो संस्थान के वरिष्ठ पायलट मनोज गुप्ता जी और दूसरे इस संस्थान के बहुत ही उत्साही पायलट राकेश शर्मा जी, जो कि युवावस्था से 17-18 वर्ष की उम्र से ही जिन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर दिया था। एक और जहाँ आर्मी मैन है तो दूसरी ओर एक उत्साही युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये जज्बा कैसे है कि मुझे हेलीकॉप्टर, क्यों शुरुआत में आपने प्लेन उड़ाया था मैंने सुना है, फिर हेलीकॉप्टर लाइन में आए आप? देखिए, मैंने कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस से पहले लिया, उसके बाद में सहारा कंपनी ज्वाइन की। सहारा कंपनी ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पे और बोइंग 737-200 पे हमने फ्लाइंग शुरू की, लेकिन ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड मेरे को वहाँ मज़ा इसलिए नहीं आया, हो सकता है हर आदमी की अपनी नेचर होती है। तो वहाँ पे 30,000-35,000 फुट पे जाइए, उसके बाद में लैंड कर जाइए, पैसेंजर अपने घर, आप अपने घर, तो मुझे कोई ख़ास मज़ा आया नहीं। देन मैं चूँकि नेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, गाँव बेस आदमी हूँ, मेरा बैकग्राउंड ग्रामीण है, खेत में काम करते थे, तो वो नेचर से एक जुड़ाव था, वो ख़त्म होता जा रहा था। तो हेलीकॉप्टर का जब मेरे को हुआ तो हेलीकॉप्टर जनरली नेचर के साथ रहता है, आपने देखा होगा, अधिकतर आप पहाड़ियों के ऊपर से निकलते हैं, पहाड़ियों के ऊपर से निकलते हैं, नीचे नदियां बह रही होती हैं, झरने बह रहे होते हैं, तो उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए जनरली लोग हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज पे आते हैं। मैंने ये काम उल्टा किया, मैं हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर गया एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। से मेरे को जितना इसमें मज़ा आया, और देखिए जब आदमी को अपने रुचि का काम, मेरे पिताजी कहते थे कि आदमी को काम वही करना चाहिए जो उसके रुचि का हो, क्योंकि उसमें आदमी थकता नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात इसलिए आई कि हम 7 भाई और मैं छोटा ही छोटा हूँ, और हर ब्रदर अलग अलग डिफरेंट फील्ड में है, कोई पुलिस में, एक डॉक्टर है, एक पुलिस में है, एक राजनीति में है, एक बिजनेस में है, एंड एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े वास्तु एक्सपर्ट हैं जी। तो इसलिए मैंने बोला क्या काम करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि काम वो करना चाहिए, मेरे पिताजी ने बोला कि जिसमें आपका मन लगे और रुचि हो। तो आपने वो एक जवाब दिया जिसको सुनकर युवाओं में एक रुचि जागेगी, क्यों आपने कहा कि मैंने लाइफ को बहुत इंजॉय किया, प्रकृति से जुड़ा, लोग हेलीकॉप्टर उड़ाने के बाद विमान उड़ाने की तरफ जाते हैं, आपने विमान को छोड़कर हेलीकॉप्टर को ज्वाइन किया, तो जो युवा हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाहते हैं इसको, इस करियर को कैसे अपनाया जा सकता है, ये जानकारी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो अभी मैंने अपने लाइव में भी बताया कि पायलट का जो जॉब है उसमें हर चीज़ है, हर आपका
स्वाद उसमें निहित है, हर चीज़ आप उसमें एंजॉय करते हैं, पैसा भी है, पावर भी है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है और नॉलेज भी है। तो इससे बढ़िया कोई कैरियर नहीं है, कैरियर सभी अच्छे हैं लेकिन इसकी अपनी एक ब्यूटी है। शुरू से बताइए, शैक्षणिक योग्यता से शुरू करके, हाँ सर से पूछे, आप बताइए सर। ओके, आपके लिए पायलट बनने के लिए बेसिकली आपको 10+2 पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स दोनों में जी। उसके बाद आप प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि जनरली इंडिया में एक यही पैटर्न है, बिकॉज सेल्फ स्टडी थोड़ी इसमें मुश्किल होएगी जी। पर आप 6 महीने की अगर आप ग्राउंड ट्रेनिंग लें तो आप DGCA के CEO सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रायोजित एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं और वो टेस्ट पास कर सकते हैं जी। वो टेस्ट पास करने के बाद आप एक मेडिकल अपना आपको मैंडेटरी कराना होता है, इनिशियल फ्लाइंग के लिए आपका क्लास 2 मेडिकल भी हो जाता है। आप वो क्लास 2 मेडिकल कराएं, एग्ज़ाम पास करें और किसी फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो आपको पता है एट द मोमेंट रेट्स काफ़ी हाई हैं, तो 30-35 लाख रुपए मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट की, आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फ्लाइंग करनी होती है। उस जब जिस भी जहाज़ पे वो आपको ट्रेनिंग कराएं उससे संबंधित एग्ज़ाम भी आपको पास करने होते हैं, और जब आप ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं आपकी रिक्वायर्ड घंटों की उड़ान हो जाती है, रिक्वायर्ड फ्लाइंग आवर्स जिनको बोलते हैं, और आपके पेपर पास होते हैं, तो आप इनको DGCA में सबमिट करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो आपको एक लाइसेंस इशू करता है उस जहाज़ के लिए जिस पे कि आपने ट्रेनिंग लिया है जी जी। और इस तरीके से आपको पहला लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस के बाद सर नौकरी का ऑप्शन कहाँ कहाँ रहता है फिर? हाँ जी, लाइसेंस के बाद नौकरियाँ एक तो शेड्यूल्ड एयरलाइंस होती हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके की फ़्लाइंग आपने की है। आपने फिक्स्ड विंग पे फ्लाइंग की है तो आप कोशिश करेंगे कि भाई शेड्यूल्ड एयरलाइन में हम चले जाएँ, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, इस तरीके की एयरलाइंस में, या कॉरपोरेट फ्लाइंग होती है, रिलायंस है, जैसे उनके अपने जहाज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अपने जहाज हैं, या चार्टर कंपनियों के अपने जहाज हैं जो चार्टर करती हैं, जैसे कि हमारी ये कंपनी जेट सर्व चार्टर भी करती है जी। और उसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर्स में आते हैं तो आपके पास सिविल लाइफ में जनरली दो ही ऑप्शन है, बिकॉज हेलीकॉप्टर में शेड्यूल्ड इतना अभी प्रचलित है नहीं है, तो आपको या तो कॉरपोरेट में आना होगा और या आपको चार्टर फ्लाइंग में आना होगा। तो हेलीकॉप्टर में अभी ये स्कोप सिर्फ इसमें लिमिटेड है। हाँ, एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप अपने बेसिस पे ये नहीं कर सकते हैं तो आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप डिफेंस फोर्सेज में अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप मेरिट में आते हैं, तो डिफेंस फोर्सेज आपका खर्चा वहन करती हैं और आपको एक पायलट बना देती हैं। तो वो फ्यूचर लाइफ ऑप्शन है कि जब भी आप डिफेंस फोर्सेज से सेवानिवृत्त होकर आते हैं तो आप इस कैरियर को अपना सकते हैं। सर, इसमें जो एज लिमिट कहाँ तक सर्विस जब रहती है, कितनी उम्र तक चलती है ये सर्विस? ओके, अगर आप कमर्शियली फ्लाइंग करते हैं तो आप 65 साल तक उड़ सकते हैं जी। अगर आप प्राइवेट फ्लाइंग करते हैं PPL लाइसेंस के बेसिस पे तो आप 70 साल तक उड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये कंप्लीट जानकारी आज आपको मैंने दी है कि आप एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए, यानी अगर पायलट की डिप्लोमा करते हैं तो आपके लिए संसाधन क्या है, कैसे आप कर सकते हैं और करने के बाद आपको सर्विस के क्या मौके मिलते हैं। तो उम्मीद है कि जो युवा आसमान में उड़ना चाहते हैं उनके लिए कार्यक्रम निश्चित रूप से कारगर साबित होगा। और आज दिल्ली के इस इंस्टीट्यूट में राकेश शर्मा जी और मनोज गुप्ता जी जैसे पायलट के साथ मुझे कार्यक्रम कवरेज करके बहुत अच्छा लगा। इस समय एसराम ओला जी हैं जो कि चेयरमैन है इस इंस्टीट्यूट के, और साथ में आपके परम मित्र और मेरे भी मित्र युवा पायलट राकेश पायलट जी, और हम सबसे पहले ओला जी से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले हमें इस बात का गर्व है कि आप राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से हैं और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आपने यहाँ स्थापित किया है। मैं जानना चाहूँगा कि इसकी स्थापना आपने कब की थी? सर, इंस्टीट्यूट की स्थापना 2006 में स्टार्ट किया था इंद्रप्रस्था के नाम से, इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स के नाम से, फिर 2007 में इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, और 2007 में इंद्रप्रस्था फ्लाइंग अकेडमी। उसके बाद 2007 में हमने कनाडा इंडोरिया में फ्लाइंग क्लब खोला और यहाँ इंडिया के जितने भी पायलट स्टूडेंट को वहाँ भेज कर हमने फ्लाइंग करवाई, तो काफ़ी हम पायलट बनाए। और 2006 से हमने फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को हमने एक नया रूप दिया, और 2012 में हमने जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड खोला और दूसरी कंपनी सिमटेक इंडिया जो सिमुलेटर बेस्ड कंपनी है। जेट सर्व एविएशन में हमने स्टार्ट किया था MRO रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल से, उसके बाद वन बाय वन बहुत सारे लाइसेंस, आज इंडिया में सबसे ज़्यादा लाइसेंस इसमें है, और उसमें
काफ़ी हेलीकॉप्टर्स हैं और हमारा अप्रूव्ड लाइसेंस हेलीपोर्ट है गुड़गांव में, वहीं से फ्लाइंग होती है। और उसके अलावा हम 7 एरोप्लेन, बिजनेस जेट, एयरक्राफ्ट, जितने भी सेलिब्रिटीज, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबको हम देते हैं। और उसमें एयर एम्बुलेंस का लाइसेंस है, जिसमें एयर एम्बुलेंस के पूरे मेडिकल टूरिज्म को हमने इंडिया में सबसे नया रूप दिया और नया दिशा की तरफ लेके गए। मेडिकल टूरिज्म के लोग जानते ही नहीं थे, बहुत सारे ऐसे जगहों में लोग जहाँ ट्रीटमेंट का कोई वही अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ से उनको हम इमिडिएटली वहाँ से पिकअप करके एक मेट्रो में जितने बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल थे वहाँ तक पहुँचाए और उनको टाइमली हमने ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा सहयोग रहा थ्रू आउट कंट्री। आज हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी हमारे स्किल इंडिया इन एरो स्पेस में एक ही जेट सर्वेशन कंपनी है जो इंडिया में 20,000 बच्चों की ट्रेनिंग कराते हैं। ऐसे थ्रू आउट इंडिया हमारे 15 सेंटर है जो वहाँ 20,000 बच्चों की ट्रेनिंग हम देते हैं और गवर्नमेंट स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। आने वाले हम चाहते हैं कि एजुकेशन और स्किल और एरो स्पेस में बहुत अच्छा काम करें और उसी डायरेक्शन में उसी लगन के साथ हमारी टीम पूरे थ्रू आउट 24/7 काम कर रही है। बना रहा हूँ फ्लाई ओला दिल्ली से हमने ये खास कार्यक्रम आप युवाओं के लिए कवर किया ताकि एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर उड़ाने के क्षेत्र में अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। और इसमें मेरा प्रमुख सहयोग जो मुझे मिला उसमें पायलट राकेश जी शर्मा, वरिष्ठ पायलट मनोज गुप्ता जी और फ्लाइंग ओला के मालिक ओला जी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।